بسم الله الرحمن الرحيم Yeah, I mean,
सदरे मज मेरे मजलिस नजम सादात हजरत किबला पीर सैयद अहमद अली शाह साहिब दामद बरकातहु कुदसिया चूंकि वक्त के दामन जितनी गुंजाइश नहीं पहुंची मैं सिर्फ बात पैदा करनी है इजाज साहब के खराब हाल बैठे दूर बैठे थे चलो जजाक अल्लाह मेरे भाई नकीब महफिल अपने फाजिलीन अकाबरीन जुमला उलमाए कराम के असमाए करामी जिन्हों का नाम लिया मेरे वास्ते वायसी जो शर्फ है तशरीफ फरमाने आप गल कर रहे सब मेरे डर लग रहा है हकीकत है शायद उलमाए कराम की मौजूदगी गल करना दोहरा फायदा होता है जे बंदा उस थोड़ा भी जाए तो सलाह हो जाती है तो जो मुँह चो गल चंगी निकल जाए तो दुआ हो जाती है अपने गिराई आ रहे अलहमदुल्ला अल्लाह पाक सलामत रखे इन्होंने भी ना इसलिए उलमा का नाम ही गिता है सा नाम भी ना गिता इन्हों की मुहब्बत है बाकी आया सरगों के ड्यूटी सरगों से लगी है घर अब्दुल्ला मैं भाई माशाला गुलाम मुस्तफा साहब और मैं दस देना वा शाह जी बिलखसूस भाई एजाज साहब जुमला मुआमिनीन और जिन्होंने इश्तिहार तरतीब दिता टाइम का पौना घंटा भी और जितने उनवान लिखे ने भाई उर्स मुबारक लिखे आए हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उर्स मुबारक हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अच्छा टाइम थोड़ा भी थोड़ा थोड़ा तुम भी बोलो सबके बाबा सदा दिए दे के गया ऐ किन्ना लोगों का अकीदा हो जाए अच्छा अमीर हमजा पाक
हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुजूर गौसे पाक के इशारे सवाब कराए वाले हैं। इतने टॉपिक के फिर अशनार उनवान भी लिखे आगे उनवान है मोहब्बत रसूल बल्ला परेशानी जब बढ़ जाती है बंदा दो दो घंटे भी लगे गल्ला करे मैं दो घंटे नहीं सिर्फ दो मजमले बोल के दे अपने ईमान पे आ जावांगा। तुझे अगर पुराने पाक की गल करे सो पहला सर साहब माशाल्लाह इजाज साहब ने थे ऐसे ऐसे शेर वाले मेरे भाई ने मैं और फर्दन फर्दन की ना लेना भी फरमा सरकारी साहब मैं रमजान शरीफ में सब कुरान पढ़ा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को जनाबे आप फरमाते ने अगर मेरे होश की नकेल को बोले वो भी रब के कुरान को तला मैं अगर मेरे होश की नकेल को हो जाए कि वो भी कुरान को तलाश करो एक अमीरी हमजादी क्या करो हाल हो गई है इस जगह के बारे सरकार के चचा भी ने रजाई भाई भी ने इश्तहार देने वाला बंदा बड़ी सियाना आज चंद की चौबी तारीख शवाल की चौबी रात पंजी शुरू हो गई है तो शवाल की पंद्रह तारीख को उहद के अंदर हजरत सैयदना अमीर हमजा ने लाजवाब किरदार अदा किया। अच्छा मजे की गल भाई गुलाम मुस्तफा साहब तो वैसे मैं हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला के बारे में पढ़ी आ गई कि जेड़ा बंदा अमीर हमजा के वसीले दुआ करता नक मुबारक कर दिया गया कर मुबारक कटे गए हाथ मुबारक कटे गए एक कसूर की सी ऐ कसूरे जरा खानों का भी किया नहीं समझे कसूर है ही एक वो कसूर है वो भी नाम लेने वाला मुस्तफा उन्होंने भी नारा यही सी सिर्फ साड़ी जबान हो रही ना वो अरब देने वाले सन उन्होंने भी नारा लाया सुनिया दिल है वो दिल तो देही यार से मैं थकी हाँ जुमे तो पहले तरीके की थी ये जुमा पढ़ाया वे जुमे तो बाद मास की तावे तो फिर है ऐ दो ढाई घंटे पेंडा भी करके आया हूँ लेकिन इन शाखों की वजह भी साड़ियाँ तकरीर होंगी ही नहीं तकरीर होंगी उन्होंने वो कनेक्शन जोड़ दें बोलो किसे अमीर हमजा वो जनाबे के जनाजा मेरे नबी ने सत्तर मरतबा पढ़ाया सत्तर मरतबा मेरे नबी ने जनाजा सत्तर शुहादा उसके अंदर हर जनाजा सबसे पहले मेरे नबी ने अमीर हमजा का जनाजा पढ़ाया उस तो बाद अमीर हमजा का जनाजा किया गया हर बंदे का अलग जनाजा आया जनाजा पढ़िया गया चरपाई चुक दी गई नवा जनाजा आया हर बंदे का जनाजा एक ही दफा कि अमीर हमजा जनाजा मिलाद वाले ऐ मिलाद के महीने क्या उन्वान रखे जाते सर मैंने किसी ने मौलवी ने पूछा एक दफा उन्हें कहा कि हजरत साहब ये की गल है मुहर्रम रबीउल अव्वल के दो बार गुजर गया हम दो महीने त्रै महीने चार महीने मैं
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2-4-5-10 ਸਾਲ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਫੀ ਜਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਿਹਾਬੀਏ ਨਬੀ ਹਰ ਸਿਹਾਬੀਏ ਨਬੀ
मेरा मैं इस वास्ते कर पिया करना वा खुदा की कसम मैं अपनी अखा हरमंदर वेख लिया वो नौजवान जो चौक च खड़ो के सीटियों मारते होंगे सन कि अमीर आल सुनत का एहसान दुनिया सुनीयत कयामत तक नहीं चुका सकेगी नौजवानों के चेहरे आगे भी सुनत मुस्तफा आ गई टके टके का मोल भी उठ के अमीर आल सुनत के अकीदे को पूछने की कोशिश करे और टटोलन की कोशिश करे अच्छा एक पास लिखे है हर सिहाबी ये नबी अगर मेरे नबी के मोढ़िया से अली आया भी ना तो अली की शान बराबर बरा गई अगर मेरे मुस्तफा दिया मोढ़िया से अली आया वे तो अली की शान बरा अली अली करना वे कोई शक नहीं अली की शान बराबर बरा बराबर बरा सुबह बराबर बरा वे तो फिर उस बकर के नारे लायक जिस मुस्तफा मोढ़िया से जाके अच्छा
और तुम कह रहे हो कि यह मेहराब के नाल जी पहली सफ है, ये पहली सफ है, लेकिन हजरत साहब ने नमाज पढ़ाई है तीसरी सफ के अंदर, और पहली सफ के लिए चौथी गल। अच्छा फजर की नमाज वे या फिर हजरत साहब चलो नमाज ही नहीं छोड़े तो चलो बाहर जाके जरा बरांडा से जाके नमाज पढ़ा लेने की ख्याल है फैजाना अपना फैजाने मदीना मस्जिद बिछा वाले हो हजूर शहशाह बगदादी यार भी करने वाले हो किबला सैयद साहब के अंदर नमाज पढ़ने वाले हो ताल्लुक मेरे उस हजरत सुल्तान अल आरिफ नहीं करके जंग वाला मामला हो जाए।
गुलामा तो कुर्बान जिन्हों सारा मदीने वाला मिलिया मुहब्बत के दो जुमले अर्ज करते हैं मेनू भगत के दामन का बिल्कुल सख्ती का एहसास है उन्वान लिखे है मुहब्बत ए रसूल ठीक है मुहब्बत ए रसूल इंसान बने उलमा बैठे ने इंसान बने हैं उनस को निस्यान तो नहीं बने उनस तो भी दोनों मादे मौजूद हैं और मैं इस हवाले से गल करना चाह रहा हूँ इंसान का मादा है इसलिया भी उनस उनस का माना है मुहब्बत मुहब्बत फितरी जज्बा है हर बंदा मुहब्बत करता है वो मोमिन होवे या गैर मोमिन तारिया होवे काफर होवे बेईमान होवे मुहब्बत हर बंदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहब्बत वाला जज्बा रखा है ये अलग बात है कोई कुतिया नाल मुहब्बत करता है कोई कुतिया नाल मुहब्बत करता है वो आला तो आला मनसब तो भी अमड़ जाए फिर भी कुत्ते नाल ही प्यार करता है समझ आई है बोलो कई गल इशारे नहीं करवा रही होंगे बंदा बड़े बड़े मनसब से अपने फिर भी कुत्ते नाल ही प्यार इंसानी के नाल प्यार कोई नहीं उन्हें मां की गल नहीं कर रहा अच्छा कई बंदे दाना के शौकीन डगर नाल प्यार असि बड़े बड़े स्याणे म्याणे बंदे वेखे कबूतरां नाल प्यार है पूरा दिन धोते गुजार देंगे छत कोई कुतिया नाल प्यार करता है कोई डंगरां नाल प्यार करता है कोई परिंदियां नाल प्यार करता है देखो केडा खुश नसीब है जिहड़ा रसूल अल्लाह नाल प्यार है अल्लाह का नगर डायरेक्शन अदा करा के ना अजी गुलाम मुस्तफा की बच्चों है अच्छा मोहब्बत भी दो काम कहते हैं ये मोहब्बत हो जाती है मोहब्बत की नहीं जाती भाई यार साहब थोड़ा जुमला थोड़ा उनवान कहने वाले कहते हैं मोहब्बत हो जाती है की नहीं जाती तो सख्त इख्तलाफ है मोहब्बत का कोई ना कोई दायरा बिना वजह मोहब्बत नहीं होती कुछ वजूहत नहीं अच्छा बहुत सारे वजूहत उलमा ने लिखिया ने लेकिन मैं एक दो गल करके अपनी गुफ्तगु वाइंड अप कर दिया कि अजान का टाइम हो चलिया गया बहुत लोग हुस्न नाल मोहब्बत करते हैं बोलो मैं बिल्कुल प्यार करना हुसन की वजह तो बोलो मैं जिम्मेदार बाद लोग हुसनो जमाल की वजह तो मोहब्बत करते हैं वो बाबा कुछ ना भी कोई मोहब्बत करते हैं सोने वाली मोहब्बत की जाती है कभी किसी कुछ ना भी प्यार किया प्यार हमेशा होते ही सोने ना ही अच्छा उलमा ने लिखे है बाद लोग जुर्रत और दलेरी की वजह तो प्यार करते हैं
فرماتے ہیں جبریل یعنی ساری کائنات کائنات کا چپا چپا دیکھا ہے تخت سرا بھی پستی تو لے کے شولا کی بلندیا تک مشرق تو مغرب شمال تو جنوب اس سرکار نے پوچھ لیا فرمایا جبریل کی میرے ورگا آسرا جبریل جبریل کے لفظ کو تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سرکار نے فرمایا جبریل کوئی آئی تک میرے ورگا بھی دیکھی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ جوڑ کے میرے نبی کی بارگاہ چل کر دیا آقا
मोहब्बत मदीने वाला, जे इलम दी वजह तो मोहब्बत करने आता नहीं बरकत है मोहब्बत मदीने वाला, जे चुरबत दी वजह तो प्यार करने आता नहीं बरकत मदीने वाला। इस वजह को प्यार करने वही मुस्तकबिल के अंदर भी मफादात वाबस्ता ने ते अल्लाह की इज्जत की कसम है जेड़े जेड़े मफादात हुजूर दी जात नाल वाबस्ता ने। गाली खत्म, गाली खत्म, साबित करे वो मफादात किसी होर नाल वाबस्ता ने। कब्र के अंदर मेरा नबी, अशर के अंदर मेरा नबी, मीजान ते मेरा नबी, हौज़े कौसर ते मेरा नबी, सारे मुस्तकबिल दे मफादात ने ना। गल मुहब्बत रसूल दी क्या करना, क्या गल्ला खुश गल्ला ने, बज़ाहिर बज़ाहिर खुश गल्ला ने, लेकिन ये गल्ला अपने पल्ले बन के लै जा, ये गल्ला नाल होणगियां अमर जितना का पूछो रमान तशी फरमाने मेरे दाएं बाएं, ये घर पल्ले बन के लै जा। इलम जितना मर्जी ज्यादा हो, अमल जितना मर्जी ज्यादा हो, अगर अकीदा ठीक नहीं तो बेड़ा पार नहीं हो सकता। इलम थोड़ा भी हो, अमल थोड़ा भी हो, लेकिन अगर अकीदा ठीक है तो बेड़ा पार हो जाए। पल्ले पल्ले अगर अकीदा ठीक है ना हुजूर की जात दे ना, और अकीदे का भी महबूब मरकज मदीने वाला, घर पल्ले पल्ले अकीदे का भी महबूब मरकज कमली वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि समय में हुक्म दिता गया वे त्रै मिनट में, मैं त्रै मिनट की गल क्योंकि लाल अजमत के वाले दिन मेरे भाइयों के वाले दिन नहीं साले सवाब की मैं फिर पा के इस तो वीडी कि गल है कि जिन्होंने वेखना ही इबादत है, वो रिश्ता जिन्होंने वेखना भी इबादत है, जिन्हें टुर गए हैं उन्होंने तवज्जो वास्ते जो खुशूस इस कायनात अंदर कुछ चीज़ा मेरे अल्लाह ने ऐसा बनाई ने जिन्होंने वेखना इबादत है। मस्जिद अंदर बैठा भी मस्जिद अंदर आजान पढ़ते इबादत है, मस्जिद अंदर नमाज पढ़ते इबादत है, मस्जिद अंदर कुरान पढ़ते इबादत है। भिखारी कराम वाले पूछो अपने उलमाए को कोई काम ना कर, आजान ना पढ़, नमाज ना पढ़, कुरान की तिलावत ना कर, मेरे मुस्तफा ने यह किया अन नजरो इला मस्जिद इबादत, मस्जिद को देखना भी इबादत है। और सरकार ने और जगह पे फरमाया कि आम इबादत में नहीं फरमाया, फरमाया जेड़ा बंदा सुबह उठ के खुश होके मुस्कुराते हुए चेहरे नाल अपने वालिदैन की ज़ियारत करे, फरमाया कादा बल्ला और हज मबरूरा, मेरा अल्लाह कबूल की तो या हज अता फरमा। जिन्हां दे टुर गए ने ख्याल है कि नहीं हटे ने, जिन्हां दे वालिदैन और सरकार दे सहाबा, सरकार दे सहाबा ते रोले ही मुका छड़े ना, सहाबा पुछिया सोणिया तुसीं फरमा रहे हो कि मां बाप को देखना हज दा सवाब है, कमली वाले मां बाप भी घर औलाद भी घर, यार रसूल अल्लाह जे कोई हर रोज सौ ही बैठे बोलो यार रसूल अल्लाह तुसा फरमाया जरा बैठे हज का सवाब, ते कमली वाले मां बाप भी घर पहला सब औलाद भी घर, ते कमली वाले जे कोई हर रोज सौ ही बैठे, मेरे आका ने फरमाया मेरा रब कंजूस नहीं, मेरा रब बखील नहीं, ते ना रब वास्ते कोई नैब बनाए छोटिया बच्चे तीसरी चौथी पंजी क्लास के बच्चे हदीस मुबारक पता दे, फरमाया कायनात की सब तो कीमती शह जन्नत है। जिन्हां दे वालिदैन चले गए ने तेरे भाइयों के वाले खिंच के तेरी और मेरी मां ने पैर रख के रख लिया।
चाहता मैं ले अपने तौर पर पढ़ना वा, लेकिन एक है मियां मोहम्मद बख्श का कलाम और एक है मदीने वाले मोहम्मद का कलाम।
सूरह बकरा फरमाया मेरे बाबू तेरे गुलाम तेरी बारगाह जाके सवाल कर देने यस अलमुना का सब तो बेहतर मसरत तुम्हारी मां तुम्हारा बाप मैं खराज तासीम भी पेश करना वा अपने भाइयों उलमाए कराम और किबला शाह साहब एक कम ही ना दावे इन्हों की नजरें ना आए तो अल्लाह तबारक मताला ये शर्फ अल्लाह का कर दे ये बहुत ही शर्फ कि जरा सादात वाला नसब ये बाप ही शर्फ है ना जी जाहिर है अल्लाह तबारक मताला और खास कर इदारा भेजिए भैया साहब टुबला मामी हकीकत असल में है जरा महाज है ना साडा दावत इस्लामी का माशाल्लाह नुक्ते नजर भी यही है हर जगह के मदारस और रिक्शे जो मैं दो चार छः महीने शादी की शादी इतनी दर्शा है उस वक्त माशाल्लाह अभी तक कुछ भी नहीं सी कि आनन फरन इतना दे किसी शहर के अंदर सारे वसायल हो कुछ भी इतना तेजी का काम नहीं होता सरकार ने फरमाया मोहम्मद लिता है मस्जिद बन अल्लाह लहू बैतन फिर जन्नत फरमाया जो अल्लाह का घर बनाता भी अल्लाह के वास्ते जन्नत भी घर बना देता है दो चार पाँच मिनट अगर इजाफी होगी तो दिमाग रचाना वहाँ आ गई ना कि नंबर आ गई।